एंड मैं ये स्टोरीज क्या चढ़ा था डे वन डे टू डे थ्री, मैं सबसे बड़ा फेल्ड पर्सन माना जाऊंगा, जो कि मैं खुद को अब बोलना नहीं चाहता। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की, इवन मेरे को ब्लैकमेलर तक बोला गया। मेरे को टेररिस्ट घोषित कर दो भाई साहब। क्या करे गाइस, आई एम नॉट ब्लैकमेलर। हेलो दोस्तों, आई नो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस किया होगा, एंड सही में मैंने भी आप लोग को बहुत मिस किया इन दिनों। बस ऐसा समझ लो, ये जंग कोई कोविड नहीं थी, ये जंग कुछ और नहीं था, बस ये मेरी जंग एक मतलब ऐसा समझ लो कि मेरी खुद के साथ ये जंग चल रही थी। एंड मैं इसमें इतना ज़्यादा लड़ा था कि आप लोग पूछो मत। एंड मैं ये स्टोरीज क्या चढ़ा था डे वन डे टू डे थ्री, इसका भी एक अलग सीन है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए बाइक पे बैठता है एंड करते हैं डिस्कस कि क्या था एंड क्या नहीं था। चलिए वेल दोस्तों, ये मसला स्टार्ट हो गया था 24th ऑफ दिसंबर को, जब मैं दिल्ली के लिए निकला था। 10 दिन तक सब नॉर्मल जा रहा था, मतलब 4th ऑफ दिसंबर तक सारा नॉर्मल जा रहा था। मैं गया था दिल्ली 24th ऑफ नवंबर को एंड 4th ऑफ दिसंबर तक सारा नॉर्मल जा रहा था अच्छे से। फिर कहते ना वो कि लाइफ में एक ऐसी लहर आ गई जिसने कुछ मिनटों में सारा उलट पुलट कर दिया। मतलब ऐसी थी मेरी लाइफ, ऐसी बना दी। एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग एनी काइंड ऑफ वीडियोस ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स। बस इंस्टाग्राम पे कभी कभी लाइव आता था, बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं लाइव आता था। ठीक है, क्योंकि आप लोग को भी अपडेट देना ज़रूरी है। एट द एंड यूट्यूब मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब मेरा एक ऐसा लाइफ चेंजर है, मतलब मेरी लाइफ में इसने एक ऐसा रोल प्ले किया है जिसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। ठीक है, लेकिन अभी जो ये फेज़ आया ना मेरी लाइफ में, आई नो मैं इसे फाइट कर लूँगा, डेफिनेटली कर लूँगा। ना असुंच कोई मजा सा, इंशाल्लाह टाइम लगेगा, 1 महीना 10 महीना या साल भी ज़्यादा भी लग सकता है टाइम इसमें फाइट करने में। लेकिन अभी बस आप लोग को मुझे यही बोलना है, मैं खुल के इसलिए बात नहीं कर सकता, बस आप लोग को रीज़न बोलना ज़रूरी था। एंड सही में गाइज, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि फ़हीम भाई कम बैक करना है यूट्यूब पे, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है करने का यूट्यूब में। नहीं, मेरा हर किसी काम में मन ही नहीं करने का काम लगता है। मैं जो ये डे काउंट्स कर रहा था ना इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे, इसका भी एक अलग सीन है गाइस, क्योंकि मैं इन दिनों सोया नहीं हूँ, इन दिनों मेरे को नींद भी नहीं आई अच्छे से। ठीक है, बहुत ही गंदी चीज़ हुई मेरे साथ इन दिनों, लाइफ में पहली बार मैं ऐसा फेस देख रहा हूँ। बस मैं कहीं चाहता नहीं था यूट्यूब पे आना, बहुत दूर रहना चाहता था सबसे, फैमिली से भी, हर किसी से भी। मैंने ट्राई किया था दूर जाने का, लेकिन रह नहीं पाया, आ गया फिर से वापस। एंड आप लोग के प्यार भरे कमेंट्स भी आते हैं, फहीम भाई वीडियोस क्यों नहीं आते, घर में छोटे छोटे बच्चे आते हैं सब्सक्राइबर्स की, वीडियोस क्यों नहीं आते। एंड जवाब मैं किसी को दे नहीं पाता हूँ, आप लोग को भी शायद जवाब अच्छे से मिला नहीं होगा, बट गाइज अंडरस्टैंड कर लो मेरी बात को, मेरा फेस देख के रीड कर लो कि मैंने क्या क्या फील किया इन दिनों। ठीक है, हंसना भी अब ज़बरदस्ती पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया या तो मेरे को दोस्त मारेंगे या तो मेरे घर वाले मारेंगे मुझे। एंड हाँ गाइज, अगर मैंने अभी भी कमबैक नहीं किया यूट्यूब पे, तो मेरे जैसा कायर, मेरे जैसा बुजदिल कोई होगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने अभी हार मान ली ना गाइज, तो ये मेरे लिए लानत होगी। आई नो लानत वर्ड बोलना गुनाह है, बट मैं खुद को बोल रहा हूँ कि अगर मैंने अभी कमबैक नहीं किया ना इस फील्ड में वापस, तो मैं सबसे बड़ा फेलियर माना जाऊँगा, मैं सबसे बड़ा फेल्ड पर्सन माना जाऊँगा, जो कि मैं खुद को अब बोलना नहीं चाहता। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की, इवन मेरे को ब्लैकमेलर तक बोला गया। मेरे को अब टेररिस्ट घोषित कर दो भाई साहब। क्या करे गाइस, आई एम नॉट ब्लैकमेलर, आई एम सेइंग दिस अगेन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम नॉट ब्लैकमेलर। जिसको बोल रहा हूँ उसको समझ आया होगा। वेल चलिए ऊपर करते हैं एंडिंग इस वाले वीडियो की। एंड हाँ गाइस, जब से मसला स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ में, मैं तब से ना फैमिली के साथ अच्छे से रहा हूँ, ना दोस्तों के साथ अच्छे से रहा हूँ, ना ही खुद के साथ अच्छे से रहा हूँ। क्या करेगा इस, मेरी फैमिली भी परेशान है, मेरे कजन्स परेशान है, मेरे सारे दोस्त परेशान है, मेरे रिलेटिव की फहीम भाई अब तो वापस आ जा, कैमरामैन साहब अब पीछे जाइए, अब आ जाइए मेरे साथ अंदर। एंड ये रहा वो कमरा जिसके अंदर मैं लिटरली गुस्सा भी नहीं हूँ लास्ट बहुत सारे दिनों से। इधर से आइए आप सर, या आप बेड पर ही चढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड इस कमरे में मैं गुस्सा नहीं हूँ बहुत ज़्यादा टाइम से, लगभग जब से मैंने डे काउंट्स किए तब से मैं इस कमरे में गुस्सा ही नहीं हूँ, टोटली नहीं, मतलब मैंने एंट्री नहीं मारी इस कमरे में। बाकी इस वीडियो में बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं,
जिसको समझ आया होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझ आया होगा वो घंटा नहीं समझेगा। वेल अभी करते हैं आगे वाले प्लान्स की बात, क्या क्या है। फिलहाल मैं YouTube पे अपलोड करूंगा अपने दिल्ली वाली सीरीज, जो कि मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे मैंने 3-4 वीडियोस बनाए थे, 3-4 वीडियोस मतलब उससे ज़्यादा मैं बनाता वहाँ पे, लेकिन फिर मसला हो गया स्टार्ट, इसलिए मैं फिर बना नहीं पाया। इसलिए 3-4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक ठाक वीडियोस है, क्योंकि वो वीडियोस डालना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसी दौरान ये सब हुआ, उसी दौरान मेरी लाइफ उलट पलट हो गई। अगर वो YouTube पे आप तक आ जाएगा मेरे लिए भी वो फिर मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। हाँ देखूंगा तो हर्ट हो जाएगा, वो सही बात है, बट क्या करें, इसमें भी एक अलग बात है, इसमें भी किक मिलती है, ठीक है। वेल करते इस वाले वीडियो को एंड अपने स्टाइल में। तो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा किसी भी रीजन से, वेल गाइज एक ड्रीम तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब मेरा दूसरा ड्रीम जो था ना वो था मेरा 100K। मेरे को भी करना है इधर सिल्वर प्ले बटन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, एंड आई हैव टू डू इट, मेरे को करना पड़ेगा किसी भी हालत में, मेरे को हार नहीं माननी है, मेरे को फेल्ड इंसान नहीं बनना है, ठीक है, मेरे को लूजर नहीं कहलाना है अपनी लाइफ में। ये सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ जिनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मूव ऑन करो, ठीक है, एट द एंड सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, बस दोस्तों तक रहो, फैमिली तक रहो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो।